Hi everyone. In this video, I am going to share with you Teaching Aptitude PYQ. It is the syllabus of UGC NET exam paper 1 general paper and NVS. Navodaya Vidyalaya Samiti. This is the question number 28. In this spectrum of teaching methods, which of the following will be called dialogic? Dialogic means hota kya? Dialogic means whenever teacher and students both are engaged. दोनों का दोनों क्या है इंगेज, तो उसको क्या बोलेंगे डायलॉजिक। चलिए ऑप्शन है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। डेमोन्स्ट्रेशन में कोई एक ही डेमो दिखाएगा, जब एक डेमो दिखा रहा है बाकी सब तो चुपचाप बैठा हुआ है, तो कैसे यहाँ पे इंट्रैक्शन हो रहा है? इंट्रैक्शन तो हो ही नहीं रही है दोनों के बीच में। या तो टीचर डेमो दे रहा है ना, या फिर स्टूडेंट डेमो दिखा रहा है प्रैक्टिकल लैब में, तो ये नहीं होगा। प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड ईएस, यहाँ पे क्या होगा, एक प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व किया जा रहा है, तो यहाँ पे टीचर भी इंगेज्ड होता है ना, तो ये बिल्कुल सही है। चौक एंड टॉक बोर्ड में जो स्टडी कराई जाती है, तो बोर्ड में जब स्टडी मतलब एक टीचर है, टीचर ही लिखती है, चौक से लिखती है, तो इसीलिए बोलते हैं चौक एंड टॉक। चौक से लिखती है और बोर्ड बोल के लिखती है, तो यहाँ पर टीचर एक्टिव है, स्टूडेंट पैसिव है, तो ये भी कनेक्शन नहीं है चौक एंड टॉक वाला, वो भी डायलॉजिक नहीं है। टीम टीचिंग में भी क्या होता है, टीचर्स लोगों का ग्रुप है, वो लोग पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो ये भी नहीं होगा। इंटरैक्टिव प्रेजेंटेशन, इंटरैक्टिव देखो इंटरैक्शन वर्ड है, इंटरैक्शन मतलब सब एक दूसरे को कम्युनिकेट कर रहा है ना, सब एक दूसरे को जब कम्युनिकेट कर रहा है तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, कनेक्शन बैठ रहा है सबके बीच में, तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा डायलॉजिक मैथड। ट्यूटोरियल्स में आप जानते हैं ट्यूशन्स में क्या होता है, एक टीचर रहती है और टीचर के साथ स्टूडेंट, टीचर यहाँ पे बताता है और स्टूडेंट सुनता है, फिर उसके बाद में स्टूडेंट को जो भी डाउट होता है पूछता है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है ना, कनेक्शन हो रहा है, तो ये भी सही है। तो क्या क्या ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर बी, देन ई एंड एफ। तो सिलेक्ट योर आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन ए क्या दिया है, बी सी एंड डी। बी तो सही है, सी नहीं होगा, तो ऑप्शन ए इज इलिमिनेट। ऑप्शन बी बी ई एफ, यस एब्सोल्युटली ट्रू। ऑप्शन सी ए बी सी, नहीं ए तो है ही नहीं है ना, सी भी नहीं है, तो ऑप्शन सी इज इलिमिनेट। ऑप्शन डी सी डी एंड ई, तीनों दोनों नहीं है, सी भी नहीं है डी भी नहीं है, ये दोनों का दोनों ही नहीं है, ई ओनली है, तो ये भी नहीं होगा। तो इन दिस क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।